आप चुनाव लड़ने की आपके दिमाग में योजना है, तो जब आप अधिकारी थे तब क्या सेवा की ये बताएं जरा। कानून व्यवस्था ये सब चीजें वो जिम्मेदारी सभी आप समझते हैं कि जिला प्रशासन की है, फिर जिला कलेक्टरों के नाते जिला मजिस्ट्रेटों के नाते ये जिम्मेदारी उन लोगों की है। सारी कानूनी प्रक्रिया थी एक स्टेट गवर्नमेंट ने थी, लेकिन इसमें आपका क्या योगदान? तो एक तरह से वो तो स्टेट गवर्नमेंट ने की ना, वो तो पॉलिसी उनकी तैयार की हुई थी ना। पॉलिसी थी, लेकिन 20-25 साल से ये फाइलें पेंडिंग पड़ी, कोई उसकी तरफ देख नहीं जाना। मामले पेंडिंग है, बहुत लंबे समय पेंडिंग है, और इस वजह से जिनकी माली हालत खराब थी, बुरा उल्टी थे, वो उस जमीन का फायदा नहीं उठा सकते। पीली बंगा का ही चयन क्यों किया? आप कह रहे मैं संभागीय आयुक्त रहा, तो ये अपने संभाग में तो बहुत सी रिजर्व सीटें हैं। अपने अनुभव, अपनी शिक्षा और अपना जो काबिलियत आपने अख्तियार की है, उसका भरपूर फायदा और सुंदरता को मिलना चाहिए, इसलिए आपको सार्वजनिक जेल में आना पड़ेगा। आप ऐसे करके बैठे, पिछली बार चुनाव लड़ा विनोद गोठवाल नाम के कैंडिडेट ने, वहाँ से चुनाव लड़ा था, वो युवा भी है और उसने पार्टी की सेवा भी की है, आपको नहीं लगता कि आप उसका हक मारने जा रहे हैं? मेरा अपना दावा है, उनका अपना दावा है, पार्टी और भी संभावित जो उम्मीदवार है वो सब अपना दावा पेश करेंगे, पार्टी को तय करना है कि कौन उपयुक्त है। क्या कांग्रेस को आपको विकल्प के तौर पर, मेघवाल का विकल्प आपको मानते हुए, आपको लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए बजाय विधानसभा चुनाव के? चुनाव कौन सा लड़ूंगा मैं, कौन सा नहीं लड़ूंगा ये सब पार्टी तय करेगी। मुझे कोई संकोच नहीं, मैं किस रूप में पार्टी के अक्षर से जनसेवा का आपको दूसरा माध्यम नहीं है क्या? राजनीति में क्यों आए थे? आदि होते हैं, आदि हो जाते हैं अधिकारी, आईपीएस हो कोई भी, जब मैं यहाँ कलेक्टर था, कमिश्नर था, जब मैं उनके बीच में था, आज भी बीच में हूँ, कल भी बीच में हूँगा। जन भावना के विपरीत मैंने कभी कोई काम ना किया और किसी के साथ जो मेरे लोगों में अन्याय नहीं हुआ।